Download the Z5 app now. So, सबसे ज़्यादा सेट पर हंगरी कौन है? You know what? मैं इतना फ्रेंडली हुई नहीं अभी तक किसी के साथ यहाँ पे. मुझे हार्डली 4-5 दिन हुए हैं यहाँ. जो रेचल प्ले कर रही है ना, मैं अक्सर टेबल पे वो वहाँ पर होती है. और आज रेचल ने मुझे कुछ खाने के बाद में जो हंसने की गोलियाँ होती हैं ना, वो लेकर आई थी. वो बहुत क्यूट चीज़ थी, वो अपने घर से वो शायद लेकर आती है. एंड देयर वाज सच अ क्यूट जेस्चर, वो स्वीट जेस्चर वो लेकर आई थी और वो उसने सबको बांटी थी. तो या आई थिंक शी इज़ अ फूडी. आई एम नॉट श्योर बट और सेट पे कौन कितना हंगरी है मुझे नहीं मालूम. ओके, सबसे ज्यादा जो रेस्ट करता हो एक शॉट देके आने के बाद तुरंत उनको रेस्ट चाहिए, तो वो कौन है? मालूम नहीं. आई थिंक मेरे केस में मैं होंगी. मेरा शॉट हो जाता है, मैं जाके या तो कोने में बैठ जाती हूँ या फिर रूम में आ जाती हूँ. मैंने और किसी को ऐसे देखा नहीं. मैंने देखा यहाँ यूजुअली लोग सेट पर होते हैं बहुत बहुत टाइम तक. अच्छा, सबसे ज़्यादा चिल्ड कौन लगता है? सारी हैं यहाँ पे, इतने चिल्ड आउट हैं. मेरे लिए तो दादू. मेरे दादू वापस मिल गए, मुझे मज़ा आ रहा है. ओके, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट? एक अविनाश सर को छोड़ के जो हरीश प्ले कर रहे हैं, हरीश राइट, तो आई थिंक वो स्ट्रिक्ट है थोड़े से. ओके, ओवर एक्साइटेड सबसे ज़्यादा सीन्स को लेके कौन लगता है आपको? नरेन. वो एक्चुअली जान डाल देता है बहुत, पूरी एनर्जी के साथ वो कोई भी सीन जब करता है ना, तो मैंने देखा है कि उसमें पूरी जान डाल देता है. वैसे राहुल ऑल्सो फॉर दैट मैटर, सब अपना अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, बट जहाँ वो एक्स्ट्रा दिखाई देता है ना, मुझे हमेशा वो नरेन में कुछ दिखता है. सबसे ज़्यादा ऐसा कोई जो डिस्टर्बर लगता हो, स्पॉइलर लगता हो, क्योंकि साथ में सीन करते हैं तो कोई? ये मुझे पता तो भी नहीं बोलती मैं. ऐसा तो मुझे पता ही नहीं, ऐसा लगा नहीं मुझे अब तक कोई, लेकिन मालूम होता तो फिर भी नहीं बोलती मैं. क्यों बोल रहे थे? अच्छा, अपने प्रीवियस शो में अगर आपको कोई याद आता है, अब मैं उनसे पंगे लूं. मतलब क्या करवाना, क्या चाहते हो झगड़े? कोई लेट लतीफ जो लेट आता हो, जिसके जैसे शॉर्ट्स रुके रहते हो, ऐसा? वैसा भी यहाँ कोई नहीं है. सबसे ज्यादा जोक्स कौन क्रैक करता है? मेरे लिए फिर से दादू ही होंगे. दादू ना कभी कभी जब मस्ती के मूड में होते हैं तब तो मतलब हद ही हो जाती है. गॉसिप मेकर? यहाँ नहीं पता, इस सेट पे मैं नहीं जानती गॉसिप कौन ज़्यादा करता है. ओके, अटेंशन सीकर कौन लगता है आपको? आई एम एक्चुअली रियलाइजिंग नाउ कि या ये कहो कि कुछ दिनों में आप इतना नहीं जान पाते हो सबको, तो मुझे किसी में भी कोई ऐब नहीं दिख रहा है. जो अच्छी बातें हैं उसके लिए मुझे फटफट कोई याद आ जाएगा, बट ऐसी चीज़ों में मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा. मतलब आई डोंट थिंक ऐसा कोई है. एंटरटेनर सारे ही हैं यहाँ पे, सब यहाँ एंटरटेन करने ही तो आते, एक्टिंग करते हैं. ओके, कोई बोरिंग पर्सन? बोरिंग नहीं, बोरिंग कोई भी नहीं है. ओके, सबसे अच्छे से बात हो जाती है. टी टाइम पार्टनर मी. नहीं नहीं, जो मेरी मदर इन लॉ प्ले कर रहे हैं, सुजाता वैष्णव, शो में सरिता नाम है उनका, तो वो अपने घर से खाखरे लेकर आती हैं और हम दोनों का ही क्या अभी कैमियो में साथ ही एंट्री हुई है, तो हमारी बातें होती है, ज़्यादा होती है. हम एक्चुअली रूम भी शेयर कर रहे हैं, तो उनके घर का नाश्ता मुझे मिल जाया करता है. अच्छा, अभी तक कोई प्रैंक ऐसा हुआ हो या कोई प्रैंकस्टर जिसने आपके साथ प्रैंक किया हो? प्रैंक तो नहीं हुआ, बट हाँ नहीं, प्रैंक नहीं हुआ यहाँ पर. एक मिनट को याद करने दो वापस से. नो, प्रैंक नहीं हुआ. ओके, सो लास्टली ये सेगमेंट को कितना एंजॉय किया, कितनी पोल खोली, आपको क्या लगता है? पोल क्या खोली, मुझे तो हार्डली कुछ पता था किसी के बारे में. हाँ, लेकिन ये समझ में आया कि लोग यहाँ पर कितने सिंसियर हैं और कितने कोई उलझन नहीं है यहाँ, सब कुछ बहुत ही सिंपल और सीधा है. थैंक यू. Download the Z5 app now.